नमस्कार, स्ट्रेट लाइन लिखा जोखा लेकर फिर हाजिर हूँ मैं पल्लवी सरी। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सड़कों को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सड़कों से लोग काफ़ी परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है और आए दिन उन्हीं एक्सीडेंट्स में कई लोग मर जाते हैं। सड़कों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपको ये बता दूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को ये रिपोर्ट भेजती है, हर साल ये रिपोर्ट भेजती है कि उन्होंने कितनी नई सड़कें बनाई, कितनी पुरानी सड़कों को रिपेयर और मेंटेन किया गया, कितनी रोड जम्मू कश्मीर में ऐसी हैं जहां मैक्डमाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और कितनी सड़कें ऐसी हैं जहां पर वो काम अभी भी चल रहा है। तो मेरी नज़र भी एक ऐसी रिपोर्ट बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर पड़ी और मैं आपके साथ वो डेटा शेयर करना चाहूँगी, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रूरल रोड्स की सबसे पहले बात करें, रूरल रोड्स जो सड़क गांव को गांव से या गांव को शहर से कनेक्ट करती है, यानी कि गांव जितने भी जम्मू कश्मीर में गांव हैं वहां पर जो सड़कें हैं उनके बारे में बात करें तो टोटल लेंथ उन सड़कों की 14,881 किलोमीटर है। ये टोटल लेंथ है और उनमें से ये जम्मू कश्मीर की सरकार का कहना है, आप भी ज़रा दिल थाम कर ये फिगर सुनिए और ये डेटा सुनिए कि 887 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर वाटर बाउंड मैगडम पड़ा हुआ है। उसके अलावा 7,002 किलोमीटर की सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग हुई है। ये जम्मू कश्मीर के ही गांव की बात की जा रही है, आप सरप्राइज मत होएं कि मैं कहीं और के फिगर्स आपको सुना रही हूँ। 7,002 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर ब्लैक टॉपिंग हुई है, ऐसा जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार को बताया है। साथ ही साथ 7,890 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक अनसरफेस्ड है, माफ़ कीजिएगा, 6,991 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक अनसरफेस्ड है, जिनके ऊपर काम नहीं हुए हैं, जो कि कच्ची सड़कें हैं। ये गांव की सड़कों का हाल है। कितना सरप्राइजिंग है कि जहां हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सड़कों की तो डेटा कंसोलिडेट करके एक अच्छी पिक्चर दिखाना बहुत आसान हो जाता है। कश्मीर जो कि प्लेन एरिया है, जहां गांव तक सड़कें पहुंच पाती हैं, जहां आपको 80-90% तक कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जब आप जम्मू की बात करते हैं, हिली एरियाज की बात करते हैं, तो गाँव में जाकर श्रीलैंड की टीम अक्सर गई भी है और आप तक हमने वो दृश्य पहुँचाए भी हैं कि गाँव की सड़कों का कितना बुरा हाल है। जम्मू में जहां 20-30% तक भी सड़कों के ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, सड़कें पूरी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, वाटर बाउंड मैग्नम भी बहुत कम सड़कों के ऊपर बना है, वहां इस डेटा को, जम्मू और कश्मीर के डेटा को मिलाकर दिखाना और ये कहना कि 53% सड़कें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के गाँव में पहुँच चुकी हैं, गाँव की सड़कें बिल्कुल ठीक ठाक है, वाटर बाउंड मैग्नम पड़ा है, ब्लैक टॉपिंग हुई है, इस डेटा को शेयर करके आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार दर्शाना क्या चाहती है। साथ ही साथ आप भी जाकर देखें कि जम्मू शहर के पास कठुआ और सांबा के इलाके के साथ जो गांव जुड़ते हैं वहां पर तो आपको फिर भी सड़कों की हालत बेहतर मिलेगी, लेकिन आप उधमपुर के नज़दीक जाएं, आप वहां पर गांव में जाएं, या आप रामबन, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, इन इलाकों में जो गांव हैं वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको असलियत मालूम चलेगी कि कितने ऐसे रूरल रोड्स हैं जिसके ऊपर मैग्डमाइजेशन हो गई है, कितने ऐसे रोड्स हैं जिनके ऊपर वाटर बाउंड मैग्डम पड़ी है और कितने आज भी ऐसे रोड्स हैं, कच्चे सड़कें इन गाँवों तक हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। वहीं अगर हम बात करें कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास कितनी सड़कें हैं और कितनी सड़कें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाई हैं जिनके ऊपर मैग्डमाइजेशन का काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में किया है, ये उनका डेटा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डेटा बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दिया गया है, तो ये डेटा को भी ध्यान से सुनिए आप कि 11,272 किलोमीटर टोटल लेंथ जो है सड़कों की वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है जम्मू कश्मीर में। उसमें से ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खुद मानता है कि 670 किलोमीटर की सड़क के लेंथ के ऊपर वाटर बाउंड मैग्नम पड़ा है और इनका ये कहना है कि उस 11,272 टोटल लेंथ में से 8,706 किलोमीटर की सड़क के ऊपर ब्लैक टॉपिंग हुई है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने करवाई है। वहीं उनका ये भी कहना है कि 1,896 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं, यानी कि 16%
ऐसी सड़कें हैं जो कच्ची सड़कें हैं, जिनके ऊपर ना वाटर बाउंड मैगडम पड़ा है ना ब्लैक टॉपिंग हुई है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खुद मान रहा है कि 11,272 किलोमीटर्स में से 9,376 किलोमीटर्स ऐसी सड़कें हैं जिसके ऊपर वाटर बाउंड मैगडम पड़ा है या ब्लैक टॉपिंग हुई है, जिसे पक्का कर दिया गया है। लेकिन 16% सड़कें जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास है वो अभी भी कच्ची हैं। असलियत आप सब लोगों को मालूम है कि आप भी सड़कों के ऊपर चलते हैं, आप भी अपनी गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, स्कूटी लेकर उन्हीं सड़कों के ऊपर चलते हैं, और जब किसी खड्डे की वजह से आपकी बाइक को नुकसान पहुंचता है, किसी रोड ख़राब होने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको भी मालूम चलता है कि कितनी सड़कें पक्की हो चुकी हैं और जो ब्लैक टॉपिंग हुई है या जो वाटर बाउंड मैगडम पड़ा है उसकी वजह से वो रोड कितनी स्मूथली चल रही है। और ऐसे एरियाज भी आपको मुझसे बेहतर मालूम होंगे जहां पर सड़कें आज भी कच्ची हैं। साथ ही साथ अब मैं बात करूंगी पंचायती राज यानी कि पंचायत के में जो रोड्स जाती हैं, जिन जिन पंचायत में रोड्स जाते हैं और पंचायत के पंच और सरपंच के पास जो रोड्स हैं जिनका काम पंचेस और सरपंचेस को करवाना है, उस रोड की लेंथ है 2,740 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में। और उसमें से 2,740 किलोमीटर्स में से वाटर बाउंड मैगडम 1,693 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर डल गया है, ऐसा इस डेटा में बताया गया है। और ये पंचायत खुद मान रही हैं कि ब्लैक टॉपिंग किसी भी सड़क के ऊपर किसी भी पंचायत में नहीं करवाई गई है। ये साफ तौर पर लिख दिया गया है कि किसी भी सड़क के ऊपर यानी एक किलोमीटर की सड़क के ऊपर भी ब्लैक टॉपिंग नहीं करवाई गई है। टोटल जो सड़क है वो जिसके ऊपर काम करवाया गया हुआ है वो 2,740 किलोमीटर्स में से केवल 1,693 किलोमीटर है। आज भी 1,047 किलोमीटर सड़कें उन पंचायत में ऐसी हैं जो कच्ची हैं। तो ये पंचायत से क्या पंचेस सरपंचेस होने के बावजूद भी एक किलोमीटर तक भी सड़क जो है उसके ऊपर भी ब्लैक टॉपिंग नहीं करवाई गई है। मैं आपको वाटर बाउंड मैगडम और ब्लैक टॉपिंग के बीच का डिफरेंस भी बता दूं कि जिन लोगों से हमारी बात हुई जो जानते हैं कि सड़क किस तरह से बनती है, उनका कहना है कि वाटर बाउंड मैगडम जो है वो पहले डलता है, उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम किया जाता है, और जो जिस सड़क के ऊपर ब्लैक टॉपिंग हुई होती है वही पक्की सड़क, स्मूथ सड़क मानी जाती है। तो यहाँ पर वाटर बाउंड मैगडम तो 1,693 किलोमीटर्स के ऊपर पड़ा है, लेकिन आपको भी मालूम है कि आप अगर आप किसी भी पंचायत की ओर जाते हैं तो वो सड़क कुछ ही सालों में आपको नज़र आती है कि पहले सड़क थी, उसके बाद सड़क नज़र ही नहीं आती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्लॉक टॉपिंग का काम उसके ऊपर नहीं करवाया गया है, और ये खुद एग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डाटा मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप हंसिएगा मत, क्योंकि मुझे तो पढ़कर बहुत हंसी आ रही है। बहुत सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर करिएगा, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि हम RTI केवल उन चीज़ों के लिए डालते हैं जिन चीज़ों से खबर बन सकती है, लेकिन ये जो एसेंशियल है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एसेंशियल नीड्स जो हैं उनमें से सड़क भी एक है, और इसको लेकर कोई भी RTI नहीं डालता है। मैं आपको बता दूं कि म्यूनसिपल रोड्स यानी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास कितनी सड़कें हैं और उन सड़कों की हालत क्या है। टोटल रोड लेंथ जो म्यूनसिपल रोड्स हैं 441 किलोमीटर टोटल लेंथ म्यूनसिपैलिटी के पास है। उसमें से इनका ये कहना है कि वाटर बाउंड मैगडम 2 किलोमीटर के ऊपर पड़ा है। ध्यान से गौर फरमाइएगा कि 441 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के ऊपर वाटर बाउंड मैगडम पड़ा है, और ब्लैक टॉपिंग 439 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर ब्लैक टॉपिंग की गई है, यानी कि सब काम हो चुका है। टोटल 441 किलोमीटर की लेंथ इनके पास थी और टोटल 441 किलोमीटर की लेंथ के ऊपर काम हो चुका है, कुछ भी म्यूनसिपैलिटी के पास बाकी नहीं रहा है। आप भी मैंने कहा कि उन्हीं सड़कों के ऊपर चलते हैं, आपको मुझसे बेहतर मालूम होगा कि इन सड़कों की असलियत क्या है, कि असलियत में ब्लैक टॉपिंग का काम यहाँ पे होता है, अगर होता है तो कब होता है, दरबार मूव के समय होता है हमें भी मालूम है, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है कि उन सड़कों के ऊपर कब काम करवाया जाता है और वो काम कितनी देर तक टिकता है। क्या सभी सड़कें जम्मू कश्मीर में पक्की हो चुकी हैं? क्या सभी सड़कें जो हैं उन पर बहुत बेहतर तरीके से ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है? अगर ऐसा होता तो मुझे तो लगता कि हम कहीं स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं, जम्मू कश्मीर की फीलिंग ही नहीं आती है, हमें तो लगता हम फ़ौरन आ चुके हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में जहाँ ये डाटा खुद बताता है कि PWD का भी कहना है कि 47% रोड्स जो हैं रूरल एरियाज़ में आज भी
अनसरफेस्ड हैं, कच्ची हैं, वहाँ ये कैसे मान लिया जाए कि जो बाकी सड़कें बनी गई हैं, बाकी हर जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक हालत है, कहीं पर सड़कें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब काम हो चुका है। आए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास 11,500 वन किलोमीटर की सड़क है, जिसमें से 1,308 किलोमीटर की सड़क के ऊपर वो वाटर बाउंड मैग्नम डाला गया है और ब्लैक टॉपिंग केवल 35 किलोमीटर की लेंथ के ऊपर करवाई गई है। अभी भी 10,158 किलोमीटर ऐसी सड़क है जिसके ऊपर काम नहीं करवाया गया है, जो कच्ची सड़कें हैं। 10,158 किलोमीटर। अगर इस डाटा को सुनकर भी आप सरप्राइज नहीं होते और आप ये सवाल पूछना नहीं शुरू करते कि आखिर जब रोड एक्सीडेंट होता है तो इतना हंगामा क्यों नहीं मचता, आखिर जब रोड एक्सीडेंट होता है तो ब्लेम केवल ट्रैफिक पुलिस के ऊपर क्यों जाता है, उस शख्स के ऊपर क्यों नहीं जाता जिसका काम था उस सड़क को बनाना और जिसने सड़क नहीं बनवाई या सड़क को इस तरह से बनवाया कि उस सड़क की वजह से भी एक्सीडेंट हुआ, तो परेशानी जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को ही झेलनी पड़ेगी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये सवाल पूछें, कि हम ये जानें कि आखिर जम्मू कश्मीर में सड़कों की एक्चुअल पोजीशन क्या है और क्या ये पोजीशन बेहतर होगी। अगर इस तरह का डेटा जो है ये जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार को भेज रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को भेज रही है, जबकि रियल पिक्चर कुछ और ही है, तो क्या आपको लगता है कि सिचुएशन बेहतर हो पाएगी? आए आपको फाइनली लास्ट में जो डाटा मैं बताऊँगी वो डाटा है PHE का। PHE और बिजली विभाग के पास कोई भी सड़क की लेंथ नहीं है। उनके पास कोई भी सड़क टोटल लेंथ, कोई भी सड़क उनके अंदर नहीं है जो सड़क उन्होंने बनानी है या उन्होंने बनवाई है। लेकिन जब हम PHE की बात करते हैं तो बिजली के खंभे आपको सड़क के ऊपर ज़रूर मिलेंगे, तो बिजली की पाइपें डालने के लिए PHE विभाग जो है वो सड़कों की खुदाई ज़रूर करता है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने ये पूरी बनी हुई सड़क को तोड़ दिया, चाहे पाइपें डालने के लिए तोड़ दिया, क्योंकि सरकार का फ़र्ज़ है आप तक पानी पहुंचाए, वाटर पाइप्स अगर डाली गई हैं तो आखिर उसे डालने के बाद आपने सड़क क्यों नहीं बनवाई, और PHE डिपार्टमेंट बिल्कुल क्लियर कट तरीके से ये कह देता है कि भाई हमारा काम नहीं सड़क बनाना, तो वो बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि PHE विभाग के पास सीरियसली कोई भी सड़क की लेंथ नहीं है जो उन्होंने बनवानी है या उन्होंने बनाई है। लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन क्या PHE डिपार्टमेंट और PW डिपार्टमेंट के बीच में नहीं है? क्या आपस में वो इंटरैक्शन ही नहीं करते? क्या दो सरकारी विभागों को ये मालूम ही नहीं है कि पहले सड़क बनानी है या पहले वाटर पाइप्स डालनी है? PW डिपार्टमेंट जो सड़कें बना देता है और बहुत अच्छे तरीके से ये डाटा फीड कर देता है कि भाई इतने किलोमीटर की सड़क हमने बना दी, बाद में PHE विभाग वाले आकर उस सड़क को खोद देते हैं, वहाँ पर पाइप्स बिछा देते हैं और उसके बाद उस सड़क को उसी बुरी हालत में छोड़ देते हैं। जब आप PWD डिपार्टमेंट से पूछें तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो सड़क बनवाई थी, हमारा जो काम था हमने किया। वहीं अगर आप PHE डिपार्टमेंट से पूछें कि आपने ये बनी हुई सड़क को क्यों तोड़ा, तो उन्होंने कहा हमारा काम था वाटर पाइप्स डालना, अगर हम नहीं डालते तो भी प्रॉब्लम थी, अब हमने वाटर पाइप्स डाल दी तो क्या दिक्कत है। और जब उनसे पूछें कि क्या PWD डिपार्टमेंट ने कोई जुर्माना PHE डिपार्टमेंट से वसूल किया उस सड़क को तोड़ने के लिए, तो भी जवाब मिलता है अरे क्यों, दोनों अपना काम ही तो कर रहे थे। आखिर इन दो सरकारी विभागों में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो सफ़र तो उसी आम आदमी को करना पड़ेगा जो उस खुदी हुई सड़क के ऊपर बाद में चलेगा और जिसका एक्सीडेंट उस सड़क की वजह से होगा। आज लेखा जोखा में बस इतना ही, और आखिर में जाते जाते मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपको मैंने पूरे हालात तो बता दिए कि आखिर जम्मू कश्मीर की सड़कों का क्या हाल है और इन सड़कों को लेकर कौन सा डाटा जो है केंद्र सरकार को भेजा जाता है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप ये सवाल पूछना शुरू करें कि पेपर पर तो बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई जा रही है कि सब कुछ जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतर है, रियलिटी क्या है ये आप लोगों को सामने लाना है। अगर आपके एरिया में भी, म्यूनसिपैलिटी में भी, पंचायत में भी, गांव में भी कोई ऐसी सड़क है, कोई ऐसी सड़क है जिसकी बहुत बुरी हालत है, जिसे नहीं बनाया गया है, या ऐसी सड़क भी है जो बहुत बेहतरीन है, जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मुझे मालूम है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन VPN का इस्तेमाल करके भी बहुत सारे लोग इंटरनेट चला रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके इलाके में जो सड़क है वो बिल्कुल मैग्नमाइज्ड है, वो
इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर आप स्मूथली अपनी गाड़ी या बाइक चला सकते हैं। तो मुझे पल्लवी सरीन को इस लेखा जोखा से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।